Hello and welcome to Sudarshan Studio. Please subscribe the channel and उस छोटी सी घंटी को ज़रूर हिट करिएगा क्योंकि इससे आपको वीडियोस सबसे पहले आपके YouTube पे पहुंच जाएगी। बहरहाल ये वीडियो उन माता पिताओं को समर्पित है जो इस कड़ी धूप में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए दर दर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भटक रहे हैं, बस ये दिलासा दिलाने के लिए कि उनके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। बहरहाल जब तक आप इंडिया में हो तब तक तो बेस्ट एजुकेशन क्या, शिक्षा के नाम पे तो आपको सिर्फ धोखा और धोखेबाजी ही मिलेगी। वैसे भी जो महिला टमाटर को 10 बार दबा के देखेगी सब्जी कितनी अच्छी है, क्वालिटी कितनी अच्छी है ये देखने के लिए परखती है, वही पिता 10 बार जूतों को मोड़ तोड़ के, बेल्ट को या शर्ट को, या यूं कहिए कि हर चीज़ को परख के लेने वाला आदमी, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते ही एकदम जीरो कैसे हो जाता है। जो आदमी या जो दंपत्ति फादर एंड मदर इतने अच्छे बच्चों के लिए देखने के लिए जाते हैं कि जैसे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो बिल्कुल नहीं सोच पाते कि क्या ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनके बच्चों के लिए सही है कि नहीं। सो हियर आई प्रेजेंट द बिगेस्ट स्कैम व्हेन यू एंटर इन द स्कूल। ये सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम ये रिवील करने वाले हैं कि किस तरह से ये स्कूल आप पेरेंट्स के जेबों पे कैंची काटती है, किस तरह से आपको चुपिया बनाती है एडमिशन के नाम पे, और किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बड़े से एसी रूम या बिग बिल्डिंग्स में जहाँ का अमेनमेंट, जहाँ की सराउंडिंग, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होगा। बट इस एनवायरनमेंट में जाने से पहले जो एजुकेटेड पेरेंट्स है, जो अपने आप को डेढ़ गुना शाना समझते हैं ना, वो क्या करते हैं बताएं? सबसे पहले वो ओपन करेंगे गूगल रिव्यू। 5/5 अगर स्टार मिल गया तो भाई ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल्स हैं इसके अंदर कम से कम 100-150 तो होंगे ही काम करने वाले। चलिए 100-150 तो नहीं, कम से कम 100 लोग तो होते हैं काम करने के लिए, और हर 100 लोगों के लिए यही स्कूल जो है उनके जीमेल्स बनाता है। यस, आपने सही सुना, उनके गूगल मेल बनाता है, उनके यूट्यूब अकाउंट्स बनाता है, या ना जाने ट्विटर या सारी चीज़ें हैंडल करती है क्योंकि वहाँ पर एक प्रमोटिंग टीम होती है। इन सभी लोगों के जो जीमेल्स होते हैं ये प्रमोटिंग टीम या मार्केटिंग टीम हैंडल करती है, और स्कूल के हर वीडियो को, गूगल के हर फोटोज पे इन स्कूल्स के 5 स्टार देने की जिम्मेदारी इन प्रमोशनल लोगों की होती है। याद रखिए, ये जितने भी गूगल व्यूज होते हैं ये सब के सब स्कैम होते हैं। सही सुना, बच्चों से लेके वहाँ के एम्प्लॉयज तक के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ प्रेशर किया जाता है, और कुछ मनी के वजह से तो कर ही देते हैं यार गूगल रिव्यू, या तो उनको मालूम भी नहीं रहता कि उन्होंने गूगल रिव्यू दे दिया। बेस्ट गूगल रिव्यू देखते हैं, और जो डेढ़ शाने जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार गूगल रिव्यू मिल गया बहुत ही अच्छा होगा, गूगल का ऑथेंटिक है। भाई जब आप अमेजोन पे खाना मंगाते हो, जब आप शॉपिंग करते हो, और जोमेटो से जब खाना मंगाते हो, उसकी सही सलामती की गारंटी नहीं होती तो गूगल अपने रिव्यूज की कहां से गारंटी देगा। इसमें आप एकदम सबसे पहले चुपिया बन जाते हो कि गूगल रिव्यू, पढ़े लिखे डेढ़ शाने पेरेंट्स। और जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं वो ऐसे बड़े से बिल्डिंग को देख के, सुंदर सी स्मार्ट सी सेक्सी रिसेप्शनिस्ट को देख के आदमी के मुंह पे तो पानी आ ही जाता है, और औरत जो है आजू बाजू के जो सराउंडिंग है, फूल पेड़ पत्ती गार्डन को देख के खुश हो जाती है और सोचती है कि मेरा बेटा तो बहुत बड़े स्कूल में जा रहा है, इंग्लिश पढ़ने वाला है, टाई पहनने वाला है, और अपने आप ही वो सुशिक्षित एजुकेटेड हो जाएगा। बट प्लीज रिमेम्बर, ये बड़े बड़े जो खोखले होते हैं बिल्डिंग्स, बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, तो बस यही समझ लीजिए कि जैसे ही आप स्कूल में एंटर करते हैं तब दूसरा स्कैम शुरू होता है, और वो है दिखावे का। बाय द वे, दिखावे का जो स्कैम है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, हाउ द स्कूल फूल्स यू, किस तरह से यही स्कूल्स आपको चुपिया बनाते हैं जब आप स्कूल में एंटर करते हैं, ठीक है। दूसरा एक और एक पहलू मैं बताना चाहता हूँ कि वहीं पे कुछ लोग न्यूज़पेपर की कटिंग से देख के आप चले जाते हो एडमिशन के लिए, कुछ सोशल मीडिया से और कुछ गूगल रिव्यू से। याद रखिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं
मार्केटिंग टीम हैंडल करती है और इसके पीछे की सच्चाई मैं आप तक लेकर आऊंगा हर स्कूल की। याद रखिए, ये दिस एज वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड किसी भी स्कूल की हम डीफेमिंग यहाँ नहीं करते हैं। आप खुद जिम्मेदार होंगे, आप खुद जाइए, खुद देखिए, परखिए स्कूल को, क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य बनाने वाले हैं। आप बिगाड़ तो नहीं सकते क्योंकि आप माता पिता हैं। तो भरोसा करिए अपने आप पर और बहुत ही बेहतरीन रिसर्च करिए जब आप अपने बच्चे को पहली बार स्कूल में एडमिट करा रहे हो। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि आगे वाले जो हथकंडे हैं, जो आगे जाके स्कैम्स हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ सोल। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर चिल्ड्रन।